एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस की विनर रह चुकी गौहर खान आखिरकार अपनी खुशी बयां कर रही हैं, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ वो गम में भी हैं। जी हाँ, गौहर खान प्रेग्नेंट हैं और ऐसे में उन्हें हाल ही में अपने बेबी बम्प को फ्लॉट करते हुए भी मीडिया वालों ने कैप्चर किया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ रहा है गौहर खान को। जी हाँ, गौहर खान अपनी प्रेगनेंसी से मेंटली वीक हो रही है। एक तरफ जहाँ वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो वहीं कुछ ऐसा हुआ है उनके जीवन में जिसके बाद उनकी ये गुड न्यूज कहीं ना कहीं उनके लिए बैड न्यूज बनती जा रही है। दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो गौहर खान जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से वो हॉस्पिटल के काफी ज्यादा चक्कर लगा रही है। खबर है कि गौहर खान का बीपी अक्सर बढ़ जाता है। उनका बीपी इतना शूट अप हो जाता है कि वो खुद को हैंडल नहीं कर पाती। उनको बहुत तेज गुस्सा आने लगा है और उनका ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा शूट अप हो जाता है, जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं समझ आता कि वो क्या करे। उनकी बार बार डाइट को बदला जा रहा है ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। उन्हें ये भी कहा गया है कि वो प्रॉपर तरीके से योगा और मेडिटेशन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। लेकिन गौहर खान बताती हैं कि उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर इतना शूट अप होता है कि उनके स्टमक पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट दिखता है। उनके पेट में अक्सर दर्द होता है और वो मेडिटेट करती हैं तब उनका पेट दर्द और बढ़ जाता है, जिस वजह से बार बार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी में हो रही गौहर खान की कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाए और उनका बेबी का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो, साथ ही साथ उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ एकदम अच्छी रहे। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।